के यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो इस प्रकार से कल की कथा और मैंने आपको बताया था कि आज की कथा में मैं आपको उत्तराखंड के नंबर वन टॉपर टॉप उसमें ट्रेंडिंग मारा यूट्यूब पे भाई और सबसे बेस्ट ब्लॉग आता है भाई और कर दो सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे आप सभी लोग, आयु अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है दीपक कंडारी फ्रॉम रुद्रप्रयाग अगस्तमुनि किधर घाटी के खूबसूरत गांव खाली गांव से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 बजे से और अभी मैं पहुँच गया हूँ जवट गांव से आगे। तो आज हम जा रहे हैं पद्मावती मंदिर में, जो कि वहाँ पद्मावती देवी बाहर आ रखी थी 10-12 दिन के लिए, तो आज वहाँ है जल यात्रा। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं पद्मावती गेट पर, ये देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। लगता है हमें थोड़ा लेट हो चुकी है कि हम पैदल आए थे, गाड़ी तो थी नहीं, हम इसलिए पैदल आए तो थोड़ा लेट हो चुकी है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों मेरे साथ है अनूप भी नेगी और हम दोनों साथ में आए, तो चलिए चलते हैं। देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो दोस्तों मुझे लगता है हमें यहाँ लेट हो चुके हैं, जो जल प्रक्रिया होती है वो हो चुकी है। ये देख सकते हैं बारिश भी लग गई और ये दर्शक घर की ओर निकलने बैठ गए। ये देख सकते हैं आप लोग काफ़ी भीड़ पड़ी हुई, तो हमारा यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ, हमें लेट हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़ हो रही है, वैसे ही बारिश भी लगी और मंदिर ये रहा सामने। मैं दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा लेट पहुँचा। दोस्तों यहाँ पहुँचने के बाद मुझे मिले अरे आयुष भाई। तो भाई कैसे हैं आप? बढ़िया आराम से, एकदम बढ़िया है भाई। देखो गाइस, हमें यहाँ आते आते लेट हो गई यार। भाई मैं बहुत देखो यहाँ से बारिश में बारिश हो गई है, बट मैं क्या ही बताऊँ भाई। अगर आप चैनल पे नए हो भाई को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। भाई क्या कर रहे हो घर में बैठ गया, सब्सक्राइब करो ना भाई। एक लाल बटन भाई, तुम जूता मारो, हाथ मारो, चप्पल मारो भाई, क्या बोल रहा है, दब रहा जाए भाई। और भाई सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी भाई, भाई के 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर करो जल्दी से जल्दी। और भाई हमारा उत्तराखंड के नंबर वन टॉपर टॉप उसमें ट्रेंडिंग मारा यूट्यूब पे भाई, और सबसे बेस्ट ब्लॉग आता है भाई और कर दो भाई सब्सक्राइब। ठीक है भाई, जाएगा रहेगा अपने लाइफ में सब। क्या बोल दिया यार भाई ने? भाई की पहली अर्निंग आई थी आपको कम से कम कितने में? 1.5 करोड़ यार, ऐसे मत बोलो यार मेरे से। चलिए यार देखते हैं थोड़ा मंदिर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये है माता का मेन प्रवेश द्वार, तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको डायरेक्टली वहीं जाके दिखाते हैं। हाई सर, हाई सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। देखो मैंने आपके कल ब्लॉग में देखे थे और भाई ने मैंने कल ही आपका चैनल ज्वाइन किया है। ऐसे बता रहे, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ ना भाई। मैंने कहा कंडारी जी कहाँ होंगे, मैं देखते देखते भाई यहाँ पे मिल चुके हैं। तो भाई तो दोस्तों मौसम देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है, बादल लगे हुए चारों ओर और ये इंद्रधनुष भी पड़ चुका है, बारिश को रोकने वाला है। तो दोस्तों अभी हमें मिल चुके हैं सुमित भाई, जिनका की सुर लहर चैनल है और तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा मंदिर की जानकारी दे देता हूँ, जो कि मैंने भी बुजुर्गों से सुनी थी। यह मंदिर आदिकाल में गुरु शंकराचार्य जी द्वारा बनाया गया था, जब वो उत्तर भारत भ्रमण पर आए थे तो उनके द्वारा बनाया गया था, आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा। और जो ये माता पद्मावती है, इनकी 5 बहनें थी। जैसे कि धार गांव में माता पद्मावती का स्थान है, वैसे ही नारी गांव में माता नारी देवी का स्थान है, और जो जेली कंडाली गाँव है वहाँ माता इंद्रासणी का स्थान है, और बाकी जो 2 स्थान है उतनी जानकारी तो मेरे को भी नहीं पता। बट अगर किसी और दिन दोबारा आना हुआ तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, यहाँ के किसी बुजुर्गों से पूरी जानकारी जरूर दिलाऊंगा। और दोस्तों एक बात और, जो ये माता है पद्मावती, ये इस बार 37वें साल में आई है बाहर भ्रमण के लिए। वैसे तो माता को 12 या तो 36 साल में आना था बाहर, बट किसी कारणवश माता 37वें साल में आई है बाहर भ्रमण के लिए। और ये रहा माता का हवन कुंड, जो देख सकते हैं आप लोग। और ये रहा यहाँ पे जगन पुरुष और इनकी 7 पत्नियां, और बाकी ये रहा माता का खूबसूरत सा मंदिर, काफी खूबसूरत लग रहा है, काफी अच्छी सजावट करी थी यहाँ, देख सकते हैं आप लोग। भक्त लोग काफी प्यार किया और भगवान को पति रूप में पाया। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग यार, जो ये माता का मंदिर है काफी खूबसूरत डेकोरेशन हो गया है, मतलब दिल को मोहने वाली। भैया
के टाइम पे यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो इस प्रकार से कल की कथा और मैंने आपको बताया था कि आज की कथा में मैं आपको देखिए यार, ये है माता का पद्मावती का मंदिर, काफी खूबसूरत लग रहा है। ये देख लो सजावटें काफी तगड़ी करके, काफी अच्छी लग रही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने माता का खूबसूरत सा मंदिर भी देख लिया है और अब मैं ले चलता हूँ आपको व्यास कथा एंड लेडीजों की कीर्तन मंडली की ओर। तो चलिए आप लोग देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं लेडीजों की कीर्तन मंडली की ओर। माता के दर्शन करके भी वापस आ चुके हैं, क्योंकि हम काफी लेट पहुंचे तो जल यात्रा दिखा नहीं पाए आप लोगों को, माफी चाहता हूँ। हम ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये राम मंदिर सामने पद्मावती का। तो चलिए, काफी लोग आ चुके हैं, मतलब जितने भी दर्शक थे या बाकी लोग हैं वो सारे घर की ओर चले गए, तो हम भी चलते घर की ओर। तो चलिए देखते रहिए आप लोग। आप लोग इनको जानते होंगे, अपने मित्र है परम पंकज भाई, थैंक यू। और ये अपने दूसरे मित्र भाई यूट्यूबर। पद्मावती माता के मंदिर से अभी मैं वापस आ चुका हूँ। ये देखो, यहाँ था मंदिर, यहाँ से पैदल आना पड़ा इतनी दूर। तो सुबह जो भाई था मेरे साथ वो वहीं से अगस्तमुनि निकल चुका है, तो मुझे वहाँ से किसी और भाई के साथ पैदल आना पड़ा मालकी तक। तो मालकी से मैं यहाँ अकेले आया पैदल, और अभी भी घर काफ़ी दूर है, 1 किलोमीटर अभी बाकी है। तो मैं जिस पर्पस से वहाँ गया था वो पर्पस तो मेरा पूरा हुआ नहीं, मैं आप लोगों को जल्द दिखाना था, पर मैं मुझे लेट हो गई थी घर से, मैं काफ़ी लेट निकला, तो इसलिए मुझे वहाँ लेट हो गई पहुँचते, तो मैं आप लोगों को जल्द नहीं दिखा पाया, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों को जल प्रक्रिया तो दिखा नहीं पाया, लेकिन माता के दर्शन जरूर करा दिए। तो चलिए, आज की वीडियो भी इनसे एंडिंग करते हैं। आप लोग वीडियो देखते रहना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी दीपक कंडारी ऑफिशियल फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।